इंग्लैंड के साबिक स्पिनर की मांग, इंडिया इंग्लैंड सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर कुक ट्रॉफी रखा जाए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में विराट कोहली को बड़ा घाटा, जो रूट ने मारी लंबी छलांग। ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। इंग्लैंड के साबिक स्पिनर की मांग, इंडिया इंग्लैंड सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर कुक ट्रॉफी रखा जाए। इंग्लैंड के साबिक स्पिनर मोंटी पनेसर ने इंडिया इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए खास नाम का मशवरा दिया है। बाएं हाथ के साबिक गेंदबाज ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम दिग्गज सचिन तेंदुलकर और एलिस्टर कुक के नाम पर रख देना चाहिए। पनेसर ने बुध को ट्वीट करके कहा, इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर कुक ट्रॉफी कहा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बल्लेबाजी की है और हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर सबसे बड़े लेजेंड हैं और उनके नाम पर कोई सीरीज नहीं है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में विराट कोहली को बड़ा घाटा, जो रूट ने मारी लंबी छलांग। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली को एक बार फिर से नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट को जबरदस्त फायदा हुआ है। टेस्ट रैंकिंग में जो रूट तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान कोहली पांचवें नंबर पर खिसक गए हैं। इससे पहले वो चौथे नंबर पर थे, लेकिन पहले टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ा है। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। जमशेदपुर ने चेन्नई को हराया। इंजरी टाइम में एनेस सिपोविक के सेल्फ गोल की मदद से जमशेदपुर एफसी ने चेन्नईयन एफसी को 1-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग में प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीदों को कायम रखा। इस जीत के बाद जमशेदपुर की टीम छठे और चेन्नईयन एफसी की टीम आठवें नंबर पर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और अर्सेनल के यूरोपा लीग मैच अब इटली में होंगे। इंग्लैंड में कोविड 19 के कानूनों की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड और अर्सेनल के यूरोपा लीग मैच इटली में कराए जाएंगे। यूरोपा फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा कि टोरिन में यूवेंटस के होम ग्राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल सोसिडाड के बीच 18 फरवरी को 32वें राउंड के पहले दौर का मुकाबला खेला जाएगा। ये हस्पानवी टीम का घरेलू मैच होगा। अर्सेनल को इसी तारीख को बेनफिका से खेलने के लिए लिस्बन जाना था, लेकिन इस मुकाबले को अब रोम में स्टेडियो ओलंपिको में कराया जाएगा। इंटर मिलान से बिना गोल के ड्रॉ खेलकर यूवेंटस इटालियन कप के फाइनल में। यूवेंटस ने इंटर मिलान के खिलाफ बिना गोल के ड्रॉ खेलते हुए फाइनल स्कोर की बुनियाद पर 2-1 से जीत हासिल करके 7 साल में छठी बार इटालियन कप के फाइनल में जगह बनाई। यूवेंटस ने पिछले हफ्ते पहले राउंड का मुकाबला 2-1 से जीता था, जिसमें टीम की तरफ से दोनों गोल दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए थे। दूसरे सेमीफाइनल में अटलांटा को नेपोली का सामना करना है। दोनों टीमों के बीच पहले राउंड का मुकाबला बिना गोल के ड्रॉ रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।